सुना है कि एक छोटा बच्चा था, वो पेड़ के पास जाया करता था। उस गांव में एक पेड़ था जो बड़ा सुंदर पेड़ था और उसकी टहनियां नीचे तक फैली थी। तो एक बच्चा हमेशा एक पेड़ के पास जाता था, खेलता था और उसके टहनियों पर बैठता था, लिपटता था, झूमता था, आ जाता था। करते 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 बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, उस पेड़ को उस बच्चे से प्रेम हो गया, प्रेम हो गया। तुम मत सोचना कि मनुष्य का ही मनुष्य से प्रेम होता है, किसी का किसी से भी हो जाता है। अगर रोज किसी पेड़ को तुम जल डालो, सींचो और उसको तोड़ो मत, उसको सहला देना, पास से गुजर जाना, एक दिन तुम नहीं रख के देखना वो मुरझा जाएगा। और हमारी तो हर चीजें शर्त पर होती है। हम आम को भी इसलिए लगाते हैं कि फल देगा, नहीं देता टक काट देते हैं। तब मेरे बंधुओं, उस पेड़ को उस बच्चे से प्रेम हुआ। एक दिन बच्चा नहीं गया, जब दूसरे दिन गया तो उस पेड़ से आवाज आई, आओ प्रिय आओ आओ, इतना देर लगा दी तुमने। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, मैं तो हर पल हर सेकंड तेरा ही इंतजार करता रहा कि तुम कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, तुम कब आओगे। प्रेम कुछ मांगता नहीं है, प्रेम कुछ देना नहीं चाहता है, प्रेम कुछ लेना नहीं चाहता है, वो सिर्फ देता है। अगर कुछ लेना चाहे तो प्रेम नहीं, फिर तो स्वार्थ हो गया। तो क्या हुआ कि उस बच्चे से वो पेड़ ने कहा, अरे प्रिय आओ आओ, इतने देर लगा दी तुमने आने के लिए, क्यों भाई। वो बच्चा कहा कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरे घर वाले बोले पैसे कमाओ, तेरे पास आने से क्या होगा, मुझे कुछ नहीं मिलेगा। एक काम करो, तुम अपना सारा फल दो ना, मैं बेच देता हूँ, कुछ पैसा मिलेगा, मैं अपने घर में दे दूंगा और मैं खुशी से रहूंगा। तो उस पेड़ ने कहा, ले लो, यही क्या कम है कि मेरे फल मेरे प्रेमी के, मेरे प्रियतम के काम आ गए, लेकर चले जाओ। उस फल को तोड़ लिया, जाकर बेचा और उस पैसे से 20 दिन आराम से जिया। 20 दिन वो बच्चा नहीं आया। 20 दिन के बाद फिर लौटा तो उस पेड़ से आवाज आई, आओ प्रिय आओ आओ, इतने दिन बाद आए हो, 20 दिन में कितने घंटे हुए, इतने देर के बाद आए हो प्रिय आओ। कहा कि अब तेरे पास आने से क्या हो रहा है, मुझे और पैसों की जरूरी है, तुम अब टहनियों को दो, मैं बेचना चाहता हूँ। उसने कहा कि ले लो, यही क्या कम है कि मेरी टहनियाँ मेरे प्रियतम के काम आ गई। और उस बच्चे ने उस टहनियों को काटा, लेकर गया और बेचा, और उस पैसे से 3 महीना उसका खर्चा चल गया। 3 महीना के बाद फिर लौटा, फिर पेड़ के तने से आवाज़ आई, टहनियाँ तो काट ली गई थी, पत्ते भी नहीं थे, फल भी नहीं थे, आवाज आई, आओ प्रिय आओ आओ, अब तो फल नहीं के खिला सकूंगा, पहले तो रोज आता था तो मैं फल खिलाता था, अब पत्ते नहीं की छाया दे पाऊंगा, अब टहनियाँ नहीं की बैठा पाऊंगा, लेकिन आओ प्रिय मेरे तन्ने के पास तो थोड़ी देर खड़े हो जाओ। रोज इंतजार कर रहा था कि तुम कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, और इतने दिनों के बाद आए हो, मेरी याद भी नहीं आई। बोला, याद करने से क्या फायदा, अब मुझे बाहर जाना है, पैसे चाहिए, मुझे नाव बनाना है, उस नाव को चलाऊंगा, उस पैसे से मिलेगी तो उस पार जाऊंगा बाहर और पैसा कमा के लाऊंगा, शादी ब्याह हो गई, बच्चे हो गए, तुम छोटे हो गए, सोच होगे कि 1 लाख रुपया हो जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, आज कई करोड़ों कमा लिए, कहां खुश हुए, फिर और कमाने, फिर और कमाना, वो सुख शांति भूल गए और रास्ता पकड़ लिए। हम रास्ते पर ही चल रहे हैं, सारे लोग रास्ते पर चल रहे हैं, मंजिल तो मिली ही नहीं, मंजिल तो और बढ़ती जा रही है। एक बात बताओ, जब आप छोटे थे, पैसा कम था, क्या इतना टेंशन हुआ करता था। तो मेरे बंधुओं, उस पेड़ ने कहा, आओ प्रिय ले लो, यही क्या कम है कि मेरा एक एक कतरा तेरे काम आ जाए, काट लो। उस आदमी ने तने को काटा, नाव बनाया, पैसा कमाया, उस पार गया और बहुत पैसा कमाया, और कमा के 15 साल के बाद लौटा। 15 साल के बाद लौटा तो सोचा कि यहाँ कभी पेड़ हुआ करता था, हम लोग खेला करते थे, आज चल कर देखते हैं कि क्या है वहाँ। याद आई और शाम के समय वहाँ गया तो बड़ा पेड़ वीरान हो गया था, कुछ भी नहीं था, बालू और मिट्टी पड़े थे, उस पर कुछ घास जमे हुए थे। तो उस घास के नीचे से, जड़ से आवाज आई, आओ प्रिय आओ आओ, इतने दिन बाद आए हो,
अब तो न फल रहा कि खिला सकूं, न पत्ते रहे कि छाया दे सकूं, हवा दे सकूं, ना टहनियां रहे कि बस बैठा सकूं, ना तने रहे कि टिका सकूं। अब तो मेरे जड़ बचे हैं, एक बार इस पर पांव तो रख दो। तो उसने कहा, मैं ये देखने नहीं आया हूं, मुझे ओखल की जरूरत है, इसलिए मैं आया देखने के लिए कि कोई जड़ मिल जाए। तो कहा, ले लो प्रिय, यही क्या कम है कि मेरा एक एक कतरा भी किसी के काम आ जाए। तो ले लो प्रिय, आओ ले लो और लेकर जाओ, काट लो। और उसने काटा उस लकड़ी को, ओखली बनाया, और वो उसकी पत्नी जो थी ऊपर से कूटने लगी, मुशर चलाने लगी और उस हाथ से उसको चलाने लगा। जैसे मुशर की थोड़ी सी हाथ पर चोट लगी तो उस ओखली से आवाज आई, ए प्रिय कहीं तुम्हें चोट तो नहीं आ गई, बच के प्रिय कहीं तुम्हें चोट तो नहीं आई। तब उस आदमी को समझ में आया, वाह इतने सुंदर बगिया, इतने फल फूल और इतने बड़े पेड़ को मैं काटता रहा, मिटाता रहा, आज उसके जड़ को मिटा करके भी रोज कूट रहा हूं और हाथ में मेरे सट गया। तो मेरे प्रेमी को इतना दर्द है मेरा कि कह रहा है, तेरे हाथों में कहीं चोट तो नहीं आई, और मैं कितना स्वार्थी और नलायक रहा कि वो सारी चीजों को मिटा डाला। मेरे बंधु, मित्रता उस पेड़ ने उस बच्चे से किया था, उस बच्चे ने पेड़ से नहीं किया था। बच्चे का तो स्वार्थ था, लेकिन उस पेड़ को उसका मित्र था। तो मेरे बंधु, मित्रता हो तो दूध और पानी जैसा, दूध और जब पानी में दूध को मिलाओ तो दूध नाम धन धन दाम सब कुछ दे देता है, और जब दूध को गर्म किया जाता है तो पानी खुद को जल कर दूध को बचा लेता है, उसी को मित्रता कहते हैं। तो जीवन में मित्र बनाते जाना, आगे बढ़ते जाना, पहले खुद का मित्र होना, ईश्वर का मित्र होना, परिवार का मित्र होना, समाज का मित्र होना, फिर संसार का मित्र होना।